नमस्कार, खास खबर बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ में जयति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं देश और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर एक फटाफट अंदाज में। अयोध्या मामले की आड़ में पाकिस्तान भारत पर एक बार फिर से आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इस बार आतंकियों को निशाना बनाने पर देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी सुरक्षा बलों के ट्रेनिंग सेंटर्स को भी निशाना बना सकते हैं। आतंकवादी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते में भारत में घुसपैठ की तैयारी में है। वहीं आतंकियों को जम्मू कश्मीर और पंजाब के रास्ते तबाही के लिए हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ कि आतंकियों की मदद के लिए कई जगहों पर स्लीपर सेल भी सक्रिय हो गए हैं। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी होनी है और 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद ये की जा रही है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में अयोध्या पर फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मामले में 40 दिन तक सुनवाई की। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निकाय चुनावों में चुनाव प्रत्यक्ष वापस अप्रत्यक्ष पद्धति से कराने पर गहलोत सरकार के फैसले पर जमकर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि पहले सरकार ने पुनर्सीमांकन के नाम पर सियासत की और अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि निकाय प्रमुख के चुनाव प्रत्यक्ष करवाने पर होगा या फिर अप्रत्यक्ष करवाने पर। छिबावड़ौद पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी धीरज कुमार द्वारा पंचायती राज विभाग से जुड़ी सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए 2019-20 के बकाया लक्ष्यों को पूर्ण करने पर जोर दिया गया। विकास अधिकारी के द्वारा समय पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश के साथ साथ महानरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने हेतु निर्देश दिए गए। छिबावड़ौद के लहसुन व्यापार संघ के अध्यक्षों ने समाज कंटक की दादागिरी से परेशान होकर अध्यक्ष अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में थानेदार के नाम एएसआई सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि लहसुन मंडी में बोली लगाए लहसुन को हटाकर हल्का लहसुन तुलवाने का गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य व्यापारियों और सुरक्षा गार्डों के साथ में झगड़ा भी करते हैं। अनेकों बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई माकूल कार्यवाही नहीं की गई है। इस दौरान आलोक बंसल, नाजिश दीपक मित्तल, आमीन मंसूरी और अजय बाथला भी मौजूद रहे। छिबावड़ौद की विशेष लहसुन समेत अनाज मंडी में कारोबार बढ़ने लगा है। लहसुन मंडी में ऊटी का बीज लहसुन लेने वालों किसानों की भीड़ है और भाव करीब 10,000 से 25,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। साथ ही अनाज मंडी में 5,000 कट्टी की आवक हुई, जिसमें सर्वाधिक आवक सोयाबीन और मक्का की हो रही है। हालांकि गेहूं और सरसों भी मंडी में बिक रही है। मंडी के सूत्रों ने बताया कि लहसुन 15,000, मक्का 1,900, सोयाबीन 3,600, सरसों 3,600 और गेहूं 1,900 रुपए बिक रहे हैं। नागौर में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डेह में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग जायल की टीम ने डॉक्टर पूनम चौधरी, डॉक्टर जावेद अहमद, मुकेश रिनवा फार्मासिस्ट और एएनएम सरोज लोमरोड शामिल रहे। वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश मेहरा ने बताया कि 163 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अध्यापक दिनेश कुमारी, मृदुला शर्मा, नेहा चौधरी, गोपाल चंद, दीपक, दिलीप कुमार, सीताराम नागर मल, बारूपाल में कक्षा 10वीं की बालिकाओं ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। संस्था प्रधान हेमा राम सांगवा ने सभी का आभार भी व्यक्त किया।
भाजपा बड़ौद के सेतकोलू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य रामअवतार बैरवा का स्थानांतरण होने पर विद्यालय प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सरपंच बनवारी लाल मीणा ने माला पहनाकर अभिनंदन करके भावभीनी विदाई दी। आयोजन में विद्यालय स्टाफ समेत समस्त ग्रामीण भी उपस्थित रहे। चूरू के बिदासर के ग्राम इयारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री निशुल्क बाइक बालिका साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गुरदयाल सिंह व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्याधर बेनीवाल और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखदेवाराम प्रजापत रहे। बांसूर के नारायणपुर में बालिका विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बांसूर विधायक शकुंतला रावत रही। इस मौके पर विद्यालय के स्टाफ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की 41 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण भी मौजूद रहे। लूनिया के नजदीक 7 LM में जय श्री करणी पब्लिक उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव गूंज 2 का आयोजन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रधानाचार्य देवेंद्र इंदलिया ने बताया कि विद्यालय में दूसरे वर्ष बड़े स्तर पर एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में चहुओर है, जिसके प्रमुख अतिथि विधायक संतोष बावरी और अनूपगढ़ उप जिला कलेक्टर पवन सुथार होंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में व खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी अपनी अनूठी छाप छोड़ रहा है। जालौर जिले के आहोर उपखंड प्रधिकारी प्रशांत शर्मा ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करके अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक आहोर क्षेत्र के पलासिया कला के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली, पाटा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। जोधपुर के मथानिया से मंडलगढ़ रोड पर बना पुल चार दीवारी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन फिलहाल उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। सिरोही जिले में गत 8 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के प्रकाश पाल की 8 महीने की गर्भवती पत्नी और 6 साल के बेटे की नृशंस हत्या के विरोध में भाजमो के तत्वाधान में अहिंसा सर्कल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित गणमान्य नागरिक को भाजपा भाजमो के कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से हत्याकांड में मारे गए बंधु पाल प्रकाश और उसके परिवारजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जोधपुर ने जोधपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से मुलाकात करके पंचायत सहायकों को पिछले लगभग 8 महीने से बकाया भुगतान करवाने के लिए गुहार लगाई। इसके बाद जिला कलेक्टर मुख्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेताया कि आखिर पंचायत सहायकों को काली दिवाली मनाने को मजबूर कर रहे हैं। विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी की हठधर्मिता के कारण सरकार का आदेश होने के बावजूद भी अंदेशा करके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए ATP की न्यूज। नमस्कार।